नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूँ आपके साथ गुलविश। हनुमान जी के भक्तों के लिए बड़ा दिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान जयंती की। कहते हैं कि संकट मोचक है हनुमान जी, और इस मौके पर कैसे पूजा अर्चना करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं देव शंकर शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आचार्य जी, सबसे पहला सवाल यही है कि इस बार हनुमान जयंती कब है? जी जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों को जो हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही संयोग की बात है जो कई सालों के बाद में मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म 2024 के 23 अप्रैल को हो रहा है। इसमें मंगलवार के कई योग बैठे हैं, कई युति बैठे हैं, जिसके कारण ऐसे संयोग जब बैठता है तब जाकर के हमें मंगलवार के दिन मिलता है। नहीं तो कई बार ऐसे बहुत तरह के देखने को मिला है जो और भी दिन आते हैं, लेकिन हनुमान जयंती का जो दिन है 2024 में 23 अप्रैल के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ है। और बहुत खुशी की बात है, जब हनुमान जी ने 11वें रुद्र अवतार लेकर के जन्म लिए हैं तो पूरे संसार को कल्याण करने के लिए जन्म लिए हैं। जी, तो आचार्य जी, संकट मोचक क्यों कहा जाता है हनुमान जी को? क्या उनका नाम लेते ही जो उनके भक्त हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं, तो क्यों उनको संकट मोचक कहा जाता है? मैं ये कहना चाहूँगा, आपने संकट मोचन हनुमान जी को क्यों कहा गया है? देखिए, संकट हरने वाले हनुमान जी हैं, पीड़ाओं को हरने वाले हनुमान जी हैं, इसलिए उनका नाम संकट मोचन रखा गया है। हनुमान जी का कई नाम है, एक तो हनुमान भक्त के रूप में जाने जाते हैं, राम भक्त के रूप में, दूसरा बाल्य रूप में मारुति नंदन के नाम से जाने जाते हैं, तीसरा हनुमान जी की कई तरह के नाम है, बजरंग बली के नाम से भी जाने जाते हैं, संकट मोचन के नाम से भी जाने जाते हैं, पवन पुत्र हनुमान के नाम से भी जाने जाते हैं, राम भक्त हनुमान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बहुत तरह के नाम है हनुमान जी का, आप कोई भी नाम ले लीजिए, बजरंगबली का, हनुमान जी का, तो संकट पीड़ा जो है दूर हो जाता है और हनुमान जी की बहुत विशिष्ट और बहुत कृपा प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो चलिए ये बता दीजिए आचार्य जी कि जो जन्म है हनुमान जी का कब हुआ? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सुंदर बातें हैं। देखिए, हनुमान जी का जो जन्म हुआ है, अगर मैं ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा तो बड़ी ज्ञान की बातें हैं। ज्योतिष में बड़ा स्टिक जो है गणना किया हुआ है, हनुमान जी का जो जन्म हुआ है 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग में, चैत के महीने में त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा था, उसमें हनुमान जी का चैत के पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी पे हनुमान जी का जन्म हुआ है। और हनुमान जी का जन्म जैसे हुआ तो ये समझिए संसार में कल्याण होना शुरू हो गया। हनुमान जी अपने आप में एक ऐसे मंगलवार के दिन जन्म लिए थे, चैत के पूर्णिमा का महीना था, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग चल रहा था। हनुमान जी का जो जन्म का जो समय है, जो जन्म हुआ था, सुबह से 6:03 पे हनुमान जी का जन्म हुआ है। उस समय जो लग्न चल रहा था, ज्योतिष शास्त्र में इस चीज़ों का गणना है, मेष लग्न का योग बैठा था, चित्रा नक्षत्र चल रहा था, ऐसे में उस समय पे हनुमान जी का जन्म हुआ है। और जन्म मंगलवार के दिन पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का सुबह का समय, प्रभात के समय जन्म हुआ है, जिससे देश दुनिया के अंदर में बड़ा कल्याणकारी रहा है। और हनुमान जी के जन्म के बाद से संसार में सब तरह के जो है सो कल्याण प्राप्त होना शुरू हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा साथ में, जो हनुमान जी का जैसे जन्म हुआ तो जन्म के समय
सारे संसार के देवी देवता वहां पे मौजूद थे और हनुमान जी को जन्म के बाद में सारे शक्ति को प्रदान किया गया, जो संसार में संकट मोचन के नाम से हनुमान जी विख्यात हुए हैं। और जो भी हनुमान जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो उनको बहुत कल्याण होता है और बहुत तरह के शांति मिलती है जीवन के अंदर में। ये हनुमान जी के जन्म का वर्णन है। बिल्कुल, तो हनुमान जयंती के मौके पर किस तरह पूजा पाठ करें, उस दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जी मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 की है, तो हनुमान जयंती पे विशेष पूजा पाठ होता है हनुमान जी का, बजरंगबली का। जो भी संसार में मैं देश दुनिया के सभी जातकों को मैं कहना चाहूँगा, जो हनुमान जयंती पे उस दिन उपवास भी रह सकते हैं, हनुमान जी की विधि विधान से आप देसी घी की जोत लगा करके हनुमान चालीसा की, सुंदर कांड की पाठ पूजा भी आप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं, जिससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी की पूजा पाठ करने से मैं विशेष तौर पे जातकों के लिए कहना चाहूँगा, जो बहुत दिनों से जिस पे सारे सती चल रहा हो या शनि की ढैया चल रहा हो या विशेष तरह के कोई ग्रह का प्रभाव चल रहा हो, तो हनुमान जी की पूजा पाठ करने से, हनुमान जी की विधि विधान से पूजा पाठ करने से वो ग्रह शांत हो जाते हैं, उन पे ढैया का प्रभाव नहीं रहेगा, उन पे सारे सती का प्रभाव नहीं रहेगा और जीवन में बहुत तरह के जो है तरक्की देखने को मिलेगा। हनुमान जयंती पे विशेष तौर पे पूजा पाठ हनुमान जी का करने से, और इस साल बहुत सालों के बाद में हनुमान जयंती का मंगलवार के दिन योग बैठ रहा है, जो 23 अप्रैल 2024 को मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ है। रात्रि 3:15 बजे से लेकर के जो समय प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन 5:15 बजे तक पूरा पूनम तिथि रहेगा, जिसमें हनुमान जी का जन्म हुआ है सुबह प्रातःकालीन, और 2024 के 23 तारीख मंगलवार के दिन बहुत तरह का सर्वार्थ सिद्ध चीज प्राप्त हुआ है, जिसमें विशेष तौर पे मैं देश दुनिया वालों के ये कहना चाहूँगा, जातकों के लिए कहना चाहूँगा, जो हनुमान जी की विशेष तौर पे आप पूजा पाठ करिए तो आपके जीवन में बहुत दिनों से अगर कोई कठिनाई चल रही थी तो कठिनाई आपकी दूर हो जाएगी और हनुमान जी का विशेष कृपा आप पे प्राप्त होगा। मैं छोटा सा शब्द कहना चाहूँगा, गुलवेश जी आपने कहा है हनुमान जी के बारे में दो शब्द है देश दुनिया में, ये भी जातकों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए हनुमान जी की पूजा पाठ करने से अगर आपका कोई भी ग्रह खराब चल रहा था तो मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, जो आप किसी भी विशेष चक्रों में मत पड़िए, अगर आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो अगर राहु खराब है या केतु खराब है या शनि खराब है या कोई भी ग्रह अगर आपका कमजोर है, तो हनुमान जी की पूजा पाठ करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, बजरंग बाण की पाठ करने से, संकट मोचन का पाठ करने से और हनुमान जी की आरती करने से आपको बहुत तरह का लाभ मिलेगा और जीवन में बहुत तरक्की रहेगी। हनुमान जयंती पे आप विशेष तौर पे हनुमान जी को पीले लड्डू का भोग लगाएं, साथ में 7 लौंग हनुमान जी की श्री चरणों में चढ़ाएं और मीठा पान लगा हुआ भगवान हनुमान जी की श्री चरणों में चढ़ाइए। मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत दिनों से अगर किसी तरह की कोई परेशानी थी तो निश्चित तौर पे ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और हनुमान जी की बहुत कृपा बनेगी आप पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।